नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम आज बात करेंगे पावर बीआई के बारे में। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम पावर बीआई की फंक्शन की फॉर्मूले की सीरीज को हमने स्टार्ट किया है, और इससे पहले वाले वीडियो में आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने फॉर्मेट फॉर्मूले की वीडियो अपलोड की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं कैलेंडर फॉर्मूले की वीडियो। तो सबसे पहले हम यहां पे एक डेटा को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम एक्सेल, और हमने यहां पे सीएल जो डेटा है इसको सिलेक्ट किया। और हमने यहां पे सीट वन को सिलेक्ट किया, सी टू यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना होगा तभी लोड एक्टिवेट होगा। और फील्ड में देखिएगा आपका फील्ड्स यहाँ पे आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, तो मेरे पास डेट है, नेम है और सेल्स है। जैसे कि आप यहाँ जाके देखेंगे टेबल में, टेबल व्यू में, तो सेल्स है। तो इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि मोल्डिंग में जाके हमने न्यू कॉलम ऐड किया था, और न्यू कॉलम ऐड करने के बाद इसमें हमने अपने जो जो डिटेल्स थे, वो जो फॉर्मेट फॉर्मूला आके मैंने इसमें से सेलेक्ट किया था डेट को, डेट में डेट को मैं से मंथ को अलग किया था। पर प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इसमें ये लगाना पड़ा, फॉर्मेट लगाना पड़ा, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पर हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम एक नया टेबल निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे न्यू टेबल पे क्लिक किया और ये पूछता है कि क्या फॉर्मूला चाहिए। तो हमें टेबल पे हमने बोला सीएलडी नाम का टेबल दिया, पहले नाम कुछ भी दे दीजिए, और यहाँ पे मैंने कैलेंडर। तो इसमें क्या हुआ कि आप जैसे देख रहे हैं यहाँ हमारे इस वाले डेटा में कि डेट कई बार रिपीटेड है, मतलब कि सीट वन में जो डेट है कई बार रिपीटेड है, लेकिन हम कैलेंडर फॉर्मूला से स्टार्ट एंड एंड डेट करेंगे तो उसकी डेट की पूरी यूनिक डेट जो है मुझे इसके बिटवीन की सारी डेट आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं मिनिमम फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि मिनिमम, और मिनिमम में कौन सा, तो हमने बोला सीट, तो सीट वन का हमने बोला डेट। इसकी जो मिनिमम है वो हमारा कैलेंडर का स्टार्ट डेट बनेगा, और एंड डेट में मैंने यहाँ पे मैक्स दे दिया, और मैक्स में हमने बोला कि सीट वन का जो डेट है उसका मैक्सिमम डेट हमारा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे डेट आ गया आपके सामने सीएलडी, यहाँ पे सीएलडी एक नई सीट आ गई उसमें डेट है, लेकिन डेट सही फॉर्मेट में है नहीं। तो इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ डेट टाइप में, डेट एंड टाइम में जाके इसमें सिर्फ डेट कर देता हूँ तो मेरा डेट आ जाएगा। बट यहाँ पे देखिए एक डेट एक ही बार है, रिपीटेड नहीं है इसमें। इसमें एक खासियत यही है कि डेट रिपीट नहीं है इसमें, जी हाँ इसमें डेट हमारा रिपीट नहीं है। अब मान लीजिए मुझे इसमें मंथ करना है, तो मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर सकता हूँ न्यू कॉलम, और न्यू कॉलम में हमने फॉर्मूला दे दिया, यहाँ पे देता हूँ मंथ इक्वल, और यहाँ पे मैं वापस जो फॉर्मेट का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम लगाए थे वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सी एल डी डेट और कॉमा, यहाँ पे हम कर देते हैं MMM 4 टाइम या 3 टाइम कर लीजिए, 3 टाइम हम MMM कर। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमारे सीएलडी डेट और हमारा जो सीट वन का डेट है इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो आखिर हम रिपोर्ट्स कैसे निकालेंगे। तो उस केस में हम यहाँ जाएंगे अपने मॉडल्स में, और हम यहाँ डेट, क्योंकि ये इसमें जो डेट है रिपीटेड है बट ये डेट हमारा यूनिक है, तो हम इसको उठा के इस पर होल्ड करके इसमें रिलेशन हम कर देते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन होगी। अब हम वापस अपने डिजाइन डेटा पे आते हैं, और यहां से मैंने मंथ को रखा और फिर इसमें हम सेल्स को रखते हैं, तो यहां पे आपके सामने जो है डेटा आ जाएगा। तो इसका यूज हम लोग इसमें करते हैं, ये रहा आपका रिपोर्ट। इसमें अगर आप इसमें अगर मैं अगर कोई विजुलाइजेशन चाहिए तो मैं विजुलाइजेशन ऐड कर सकता हूँ, इसमें जो मर्जी सो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। इस
तरह से हम कैलेंडर फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो डेटा है, जो हमारी सीट है, इस पे हमने कोई छेड़खानी नहीं की। और क्या है कि रिलेशनशिप में दिक्कत हो सकती है, मान लीजिए दो डेट्स हैं, दोनों के बीच में अगर आपको रिलेशन करना, मान लीजिए कि दो डेटा है, दोनों में डेट्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों में कोई यूनिक नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप का रूल कहता है कि दो दो सीट के बीच में जो रिलेशनशिप कर रहे हैं उनके में किसी एक में यूनिक होना चाहिए, बट यहाँ यूनिक नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरह की यूनिक चीजें बनाने के लिए रिलेशनशिप करते हैं कैलेंडर फॉर्मूले की मदद से, अगर डेट के बीच में है तो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। और कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो, एक्सेल पे, बीवीए पे, पावर बीआई पे, टैबलो पे, गूगल सीट पे, या आप सीखना चाहते हैं, या इसके रिकॉर्डेड पेन ड्राइव चाहिए आपको, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट iptindia.com को विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।